गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज इस क्लास में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पिछला क्लास हमने किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस पोजीशन में था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला जो है वो लिखा गया है कि जो सरकार का रोल था, जो पब्लिक सेक्टर थे, उस पब्लिक सेक्टर का कोई इंडस्ट्री तैयार करने का मेन मकसद नहीं था। उनका रोल लिमिटेड था, मेनली वो काम करते थे रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए, जिसका बेनिफिट सिर्फ इंग्लैंड की सरकार ही लेना चाहती थी, पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए या टेली कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, पोस्ट वगैरह के लिए काम करते थे। यानी ब्रिटिश सरकार जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसी सेक्टर में करती थी जिससे उसको कुछ बेनिफिट हो, किसी गुड्स के प्रोडक्शन के पर्पस से जो है कोई इंडस्ट्रियल बेस यहाँ तैयार नहीं किया जा रहा था। दूसरा जो है वो लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही इंटेंशनली और बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे यहाँ इतने डेवलप्ड है कि उनके जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किए जाते थे, दूर दूर तक राजा महाराजा उसका जो है डिमांड किया करते थे, लेकिन इंटेंशनली जो है और बहुत ही प्लान्ड तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया ना। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा था उसको सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिकेट किया जाता है। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब कि हमारे देश की कंपनियों के साथ, हमारे देश के इंडस्ट्री के साथ भेदभाव वाला टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश सरकार अपनाई। यानी वैसे सामान जो भारतीय कंपनियां बनाती हैं उनके एक्सपोर्ट पे हेवी टैक्स लगा दिया गया, यहाँ पे ही डोमेस्टिक मार्केट में उनके प्रोडक्ट के सेल पे हेवी टैक्स लगा दिया गया, और जो सामान भारत से इंग्लैंड की तरफ रॉ मटेरियल के रूप में जाते थे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, और जो प्रोडक्ट ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में सेल करने के पर्पज से आते थे उनको भी टैक्स फ्री कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स को लेकर के भेदभाव किया गया। दूसरा था कि जो हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा डेवलप हो भी रहे थे, वो इंडस्ट्री को कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने प्रोवाइड नहीं की ना ही उनको किसी तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था कि वो अपने इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, इसलिए इनका भी डेवलपमेंट जितना होना चाहिए नहीं हो रहा था, काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रहा था। जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश में उस टाइम डेवलप हुए उसमें मुख्य रूप से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, आयरन एंड स्टील से रिलेटेड थे, जिसमें टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1907 में की गई, शुगर मिल्स कुछ स्टार्ट किए गए इसी समय, हमारे बिहार राज्य में भी शुगर मिल की शुरुआत हुई थी, और पेपर और सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री को ही सेटअप किया गया। इसके अलावा कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्री उस समय सेटअप नहीं किया गया, ना ही इसके लिए कोई बेस तैयार किया गया कि कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप हो। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी स्थिति मुख्य रूप से यही थी कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है किसी तरह की गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं था, ना ही कैपिटल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, ना ही कंज्यूमर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे। मुख्य रूप से ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम थे उन्हीं पर उनको फोकस करना था। जो भी हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उनको बहुत ही प्लान्ड तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज करके समाप्त कर दिया गया, और मॉडर्न इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। इसके अलावा हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाया, जैसा कि आपको बताया गया अभी कि जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उनके प्रोडक्ट पे हेवी टैक्स लगा दिया गया, जिससे उनका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस बढ़ने की वजह से उनका प्राइस बढ़ गया, सामान महंगे हो गए, उसका डिमांड मार्केट में कम होने लगा।
दूसरा कि जो यहाँ से जो भी सामान रॉ मटेरियल इंग्लैंड की तरफ जाने लगे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर जाता है या कोई दूसरा प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाता है तो उस पर हेवी टैक्स लगा दिया गया, और भारत से जो सामान ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के रूप में जाता था उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, और जो सामान ब्रिटेन से वही रॉ मटेरियल से तैयार होकर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमारे देश में आने लगे उनको भी टैक्स फ्री कर दिया गया। तो इस तरह से ब्रिटेन का बना हुआ सामान हमारे देश में सस्ता होने लगा और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट महंगे होने लगे, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगा और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का डिमांड घटने लगा। दूसरा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले हमारे यहाँ नवाब्स और राजाओं का शासन हुआ करता था, तो जो कि इस हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व देते थे, तवज्जो देते थे, उनका डिमांड करते थे, अपने यहाँ सजावट के रूप में यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ने से ब्रिटिश सरकार के आने की वजह से ये रजवाड़ों और नवाबों का जो समय था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बहुत सारे राज दरबार हमारे यहाँ समाप्त हो गए, जिसकी वजह से इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के डिमांड में भारी गिरावट आई और इस तरह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गया। तीसरा रीजन है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ब्रिटेन से जो सामान बन के आते थे वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से मशीन से तैयार होके आते थे। मशीन से तैयार होने की वजह से उनमें उनके क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा होता था, क्वालिटी में भी हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा होता था। दूसरा कि उसमें एफर्ट और कॉस्टिंग कम होने की वजह से प्राइस भी कम होता था। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ा फैक्टर था प्राइस का कम होना और क्वालिटी का अच्छा होना, जिसकी वजह से इंग्लैंड में तैयार हुआ सामान हमारे देश में बिकने लगा और हमारे देश के सब बने हुए सामान कमजोर क्वालिटी और हाई प्राइस की वजह से बिकना बंद हो गया। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड में कहा गया कि उस टाइम जो है 19 देश आज़ाद होने के टाइम के आसपास जो है हमारे देश में एक नया जनरेशन तैयार हुआ, और वो जनरेशन जो है वेस्टर्न ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार प्रभाव की वजह से वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के बने हुए सामान का डिमांड हमारे देश में ज़्यादा होने लगा और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगे। रेलवे का इंट्रोडक्शन भी जो है इंग्लैंड के प्रोडक्ट के सेल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। रेलवे जो है हमारे देश के कोने कोने तक पहुँचाया गया और उस रेलवे की सहायता से जो है इंग्लैंड के बने सामान भारत के गाँव गाँव तक पहुँचने लगे, गाँव गाँव तक बिकने लगे, यानी ब्रिटेन के तैयार हुए प्रोडक्ट का मार्केट जो है हमारे देश में बढ़ने लगा, और इस वजह से जब उनका मार्केट बढ़ने लगा हमारे यहाँ के कंपनियाँ जो हैं उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, तो धीरे धीरे कंपनी भी लॉस में होते होते बंद हो गई। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गए, खत्म हो गए, बंद हो गए। ये मुख्य 5 रीजन्स हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सिस्टमेटिक तरीके से इंटेंशनली प्लान्ड वे में हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू किया गया उसका मोटिव क्या था। तो मेन मोटिव ये था कि भारत में कॉटन और जूट के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे, और उसी दौरान जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री इंग्लैंड में नए नए शुरू हुए थे। तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए कॉटन और जूट जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो इस तरह से जो है भारत के वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन यानी रॉ मटेरियल के रूप में भारत से कॉटन और जूट को बड़ी मात्रा में इंग्लैंड के उन इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कराया गया, और भारत में अगर इस तरह के इंडस्ट्री सेटअप हुए रहते तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता, यहाँ के रॉ मटेरियल से यहाँ के लोगों को बेनिफिट होता। लेकिन ये रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा करके यानी यहाँ से एक तरह से क्योंकि यहाँ के ही इनपुट को हम ले जा रहे हैं और उसका बेनिफिट यहाँ नहीं मिल रहा है, यानी हमारे देश के संसाधन का शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल में मुख्य रूप से कॉटन और जूट को टैक्स फ्री करके इंग्लैंड ले जाया जाना, ताकि वहाँ जो इंडस्ट्री नए नए सेटअप हो रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनके इस इमर्जिंग नीड्स को यानी रॉ मटेरियल की नीड्स को इसे फुलफिल किया जा सके। दूसरा कि प्रोडक्ट बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद ही आपका ग्रोथ हो सकता है।
तो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रॉपर मार्केट भी चाहिए। और इस तरह से जो है ब्रिटेन में तो उनका मार्केट था ही, ब्रिटेन के अलावा भारत भी उनके प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट बने, इसलिए उन्होंने भारत को एक पोटेंशियल मार्केट के रूप में भी एक्सप्लॉयटेशन किया। यानी जो यहाँ के रॉ मटेरियल से ही इंग्लैंड में जो सामान बन के आ रहे थे उन पर टैक्स फ्री कर दिया, उनका प्राइस कम हो गया और वो प्रोडक्ट्स हमारे देश के गांव-गांव तक मार्केट में फैलने लगे। इस तरह से ब्रिटिश सरकार का जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है हमारे देश में बिकने लगा। तो ये दो मुख्य उनका मोटिव था सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, कि हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए वहाँ के इंडस्ट्री सेक्टर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और वहीं के इंडस्ट्री सेक्टर के ग्रोथ के लिए हमारे देश को पोटेंशियल मार्केट के रूप में भी इस्तेमाल करना। इस पॉलिसी का दो परिणाम हुआ। पहला परिणाम तो जैसा हम लोग थोड़ी ज़्यादा अभी पहले देखे कि हमारे यहाँ के जितने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे धीरे धीरे सब बंद हो गए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की जगह पर इंग्लैंड की इस इंडस्ट्री से तैयार हुए प्रोडक्टों ने ले लिया। और दूसरा, चूंकि इंग्लैंड के प्रोडक्ट को यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट मिल गया तो उनके इंडस्ट्री सेक्टर के ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ को भी एक गति मिल गई, एक रास्ता मिल गया, है ना। तो इस तरह से जो है इसके दो उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए दो परिणाम सामने आए। एक दोनों हमारे यहाँ ये नेगेटिव रूप में आया कि हैंडीक्राफ्ट हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया, और दूसरा ब्रिटेन का इंडस्ट्री हमारे देश में डेवलप होने लगा। इंडस्ट्री सेटअप नहीं होता था लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है यहाँ बिक करके उनके यहाँ के बेनिफिट्स को, उनके यहाँ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। तो इस तरह से इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश में इंडस्ट्री सेक्टर की पोजीशन क्या थी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड की स्थिति हमारे देश में क्या थी।